हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन एंड दिस इज क्लास 11th फिजिक्स एंड द रनिंग चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने बताया आपको यूनिट्स क्या होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट आप जान गए थे, इन एसआई सिस्टम देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी, याद है। फिर मैंने आपको डिराइव्ड यूनिट बनाना बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनती हैं। सो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करते हुए जो यूनिट बनाई जाती हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आपको बताया एरिया, सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स डिराइव्ड एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। डिराइव्ड एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको एट द एंड बताया कि कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, दीज आर सच टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइम के मेजरमेंट हैं। एट द एंड, एट 1960 अप्रूवल मिल गया एसआई को एंड एसआई बिकम द लेटेस्ट एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यस और नो? यस। तो हम जो काम करेंगे बच्चों, हम एसआई में काम करेंगे। किस में काम करेंगे? एसआई में। अब दो चीजें होती हैं हमारे जहां पर हम काम करते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू क्या सिस्टम है और दूसरा कॉमनली यूज्ड, अकॉर्डिंग टू द रूल एंड कॉमनली यूज्ड। तो भैया, दो प्रकार की यूनिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। कॉमनली यूज्ड को कह सकते हो कि प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स, और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। भैया, अब जैसे एसआई की मैं बात करूं तो एसआई में जो लेंथ के लिए यूनिट स्पेसिफाइड है वो क्या है बच्चे? मीटर। एसआई सिस्टम में जो लेंथ के लिए यूनिट स्पेसिफाइड है बेटा वो क्या है? मीटर है। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द टू मेजर द लेंथ अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम इज मीटर। बहुत बढ़िया। बट इसके साथ ही आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनी होंगी, कई सारी आपने अलग अलग लेंथ सुनी होगी, उनको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल यूनिट या कॉमनली यूज यूनिट। एग्जाम्पल के लिए 1 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10^-10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना? आपको इनका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंगस्ट्रॉम जहां पर काम करता है वहां पर आपको एंगस्ट्रॉम ही लिखना पड़ेगा, वहां पर मीटर लिखेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? जैसे सोना तोलना है, सोने तोलने की तराजू में अगर आप गेहूं का बोरा तोलेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे। लग जाएंगे कि नहीं लगेंगे? यस और नो? बिकॉज सोने तोलने का मेजरमेंट बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है और लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को मेजर करता है, वो मिलीग्राम को। किसे मेजर करता है? मिलीग्राम को। मिलीग्राम के आप वेट में आप टन को, मीट्रिक टन को मेजर करना सही बात नहीं है। बोलिए यस और नो? ठीक ना? हाँ। सो मेनी यूनिट्स आर देयर, सो मेनी प्रैक्टिकल यूनिट्स आर देयर। ये आपके पीडीएफ में आपको मैंने प्रैक्टिकल यूनिट कुछ दे रखी हैं। जैसे लेंथ की यूनिट की मैं बात करूं, माइक्रोमीटर क्या होती है बेटा? माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर 1 μm ऐसे लिखा जाता है बेटा, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर दिस इज इक्वल्स टू 10^-6 मीटर, 10^-6 मीटर। ये सिंबल बेटा, ये जो दिख रहा आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये माइक्रो का है। किसका है? ये माइक्रो का है।
कुछ स्पेशल प्रेफिक्स सिंबल होते हैं, उनकी मीनिंग, उनकी वैल्यू डिसाइडेड है, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए वन डेसी, डेसी मतलब 10 की पावर माइनस 2, डेसी मतलब 10 की पावर माइनस, अगर मैं बोल दूं 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्लियर है? डेसी मतलब 10 की पावर माइनस, गलत बोल गया बेटा, सॉरी, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 मीटर। जो तो मैं लिखूंगा 1 डेसीमीटर दिस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर, बोलो यस, पक्की बात? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 की पावर माइनस 2 मीटर। मैंने कहा 1 मिलीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो बेटा इनके नोटेशन समझो, ये जो प्रेफिक्स यूज हो रहे हैं, प्रेफिक्स क्या क्या प्रेफिक्स यूज हो रहे हैं, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, पिको, 1 पिकोमीटर, 10 की पावर माइनस 12 मीटर, यस और नो? सो ये जहां पर इस्तेमाल होनी है ये प्रैक्टिकल यूनिट, वहां के लिए आपको इनका एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, वहां पर इनका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, क्लियर? 1 डेकामीटर इक्वल्स टू, डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब, देखो डेसी मतलब स्मॉल डी, डेका का मतलब कैपिटल डी, 1 डेकामीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। 1 किलो, किलो किलो लग गया प्रीफिक्स, मतलब 100, 100 नहीं 1000, किलो लग गया मतलब 1000, हेक्टो लग गया मतलब 100, 1 हेक्टोमीटर मतलब कितने मीटर, 100 मीटर, समझ में आया? 1 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर। मैंने कह दिया 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, यस और नो? तो बेटा ये प्रेफिक्सिकल वैल्यू, ये प्रेफिक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट यहां पे किलोमीटर लगनी है, वहां किलोमीटर ही लगाओगे, तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। सो हम आपके जो शीट दिया है, मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हैं और उस पीडीएफ में देखिए। यस गाइस, ओपन द पीडीएफ प्लीज। नहीं लाए तुम, गंदी बात, लाना चाहिए, चलो पीडीएफ लाया करो भाई। तुम टैब लाए हो, भूल गए? अरे चार्ज करके लाना था, चलो कोई बात नहीं। सो लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मिलीमीटर, भैया माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 6, इधर ध्यान दो, माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 6, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10, यस और नो? अब आ जाओ भाई, मास की बात करते हैं, ये मैं तुमको पढ़ा रखा हूं थोड़ा सा, जब मैंने पहली क्लास तुमको पढ़ाई थी, मास की बात करते हैं। अब मास में भी बहुत सारी यूनिट्स यूज हुआ करती हैं, तो 1 मास में 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन प्रैक्टिकल यूनिट है कि नहीं है? टन, टन में यूज करते हो कि नहीं करते हो? उसी का पूरा नाम है 1 मीट्रिक टन। हाउ मच? 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 10 to the power 3 किलोग्राम, बोले यस, 10 की पावर 3 किलोग्राम, यह मीट्रिक टन हो गया, मास की यूनिट हो गई। और बात करते हैं, मास की एसआई यूनिट तो किलोग्राम है, एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है, लिख देता हूं, ये देखो, जैसे यहां मास की यूनिट किलोग्राम थी, बट प्रैक्टिकल यूनिट में क्या है? मीट्रिक टन, मीट्रिक टन इक्वल टू 10 की पावर 3। एक और है प्रैक्टिकल यूनिट, 1 पाउंड, 1 पाउंड का सिंबल होता है बेटा एलबीएस, ऐसा यूज करते हैं, 1 पाउंड, पाउंड में लिखते हैं 1 पाउंड, 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं बोलो? 0.453, 0.4537 किलोग्राम, 0.4537 किलोग्राम, मतलब लगभग लगभग 453 ग्राम, 453 ग्राम, समझ में आया कि नहीं आया? एक और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करता हूं, एटम को किसमें नापोगे? क्या किलोग्राम में नापोगे? एटम को किलोग्राम में नहीं नापोगे, एटम तो बहुत हल्का होता है, तो एटम की जो यूनिट होती है मेजर करने की क्या होती है? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड व्हाट एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 × 10 की पावर कितना? -27 किलोग्राम, नोट कर लो, 1.66 × 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है? सो भैया बहुत यूनिट होती हैं, ये तो अभी हमने आपको
लेंथ, मास, है ना, इनकी यूनिट हमने आपको बताई। लेंथ की एक और यूनिट मैं आपको बताता हूं, लेंथ की और एक प्रैक्टिकल यूनिट बताता हूं, पारसेक। क्या यूनिट है? पारसेक मतलब पैरालेक्टिक सेकेंड। और 1.1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, याद है, 3.25 लाइट ईयर, मतलब लाइट 3.25 साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक, दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये सब की सब क्या चल रही है? प्रैक्टिकल यूनिट। क्या है ये सब की सब? प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? वॉल्यूम इसको देख लो, इसमें कुछ पूछना है क्या? बोलो जल्दी से। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूं, 1 फर्मी दिस इज इक्वल टू 10^-15 मीटर। ये भी 10^-15 मीटर है। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट आपकी मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है, बट केवल इसी में काम नहीं चल पाएगा आपका। बोलो जी, यस और नो? केवल इसी में काम नहीं चल पाएगा, आपको छोटी बड़ी यूनिट का भी ज्ञान होना चाहिए। आप अपना वजन किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, 1 किलोग्राम के बाट लेकर के गए अपना वजन मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए, बोलो सही बात है ना? बट किसी बैक्टीरिया का वेट मेजर करना है तो क्या 1 झोले में किलोग्राम के बाट लेके जाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। बैक्टीरिया बहुत हल्का होगा कि नहीं होगा? तो वहां पर कोई और प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल होगी, वहां पर कोई और प्रैक्टिकल यूनिट इस्तेमाल। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि उस प्रैक्टिकल यूनिट का आपके किलोग्राम से संबंध जरूर होगा, रिलेशन जरूर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एटम का मास मेजर करने के लिए आपको क्या स्केल लिया जाता है? एएमयू। क्या होता है? एएमयू। फॉर एग्जांपल मैं हीलियम के एक एटम की बात करूं कि हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? 4 एएमयू। कितना होता है? 4 एएमयू। वाई? बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सिंबल है HE, और मास नंबर कितना है? 4। बोलो यस। तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा? 4 AMU। ये 4 मास नंबर बताता है कि इतना है, और इतने AMU लगा दो तो अपना मास हो जाएगा, तो 4 AMU मास होगा। अब यदि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 4 AMU को, तो 1 AMU कितना होता? 1.6 × 10^-27। सो ये बन जाएगा 4 × 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। बोलो यस और नो? तो भैया ये नॉलेज बाद की है, बट आपके काम में कौन सी आएगी? ये वाली। ये तो जरूरी है, जानना जरूरी है, बट जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि हीलियम का मास बताओ, तो 4 AMU बोलोगे या 4 × 1.67 × 10^-27? 4 AMU प्रचलित है, जो कॉमन है, जो लोगों के ज्ञान में है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो बातें होती हैं, है ना? इसलिए एसआई यूनिट आने के बाद भी इन यूनिट्स का बहुत महत्व है, इन प्रैक्टिकल यूनिट का बहुत महत्व है। बोलो यस, कोई प्रॉब्लम? तो ये देख लिया आपने यूनिट, अलग अलग डिफरेंट आपने यूनिट देख लिए हैं। फोर्स कैसी यूनिट है? फंडामेंटल या डिराइव्ड? बताओ, डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स डिराइव्ड यूनिट है। अब फोर्स में, फोर्स की एसआई यूनिट होती है क्या? न्यूटन। होती है कि नहीं होती है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। कैसे बनती है? बना के दिखाई देता हूं, कल बताया था थोड़ा सा। फोर्स की यूनिट कैसे बनेगी? एफ इक्वल टू एम इंटू कितना? ए। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मिला करके बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है? पक्की बात समझ में आई कि नहीं आई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मिला करके क्या बोला जाता है? न्यूटन। ये एसआई यूनिट है। क्या यूनिट है? एसआई। अब मैं बात करता हूं फोर्स की एक और डिफरेंट यूनिट की, जिसका नाम है सीजीएस। क्या नाम है? सीजीएस। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो भैया यहां किलोग्राम है, तो किलोग्राम की जगह पे यहां कौन खेलेगा? ग्राम। यहां पे मीटर की जगह कौन खेलेगा? सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह तो सेकंड ही खेलेगा। बोलो यस नो? मतलब सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट बनेगी उसका नाम है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं हम डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। तो जैसे यहां पे न्यूटन है इसकी यूनिट, वैसे यहां पे इसकी यूनिट क्या है? डाइन है। और दोनों में रिलेशन भी है, दोनों में क्या है? रिलेशन भी है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। क्यों है रिलेशन? न्यूटन बड़ी क्वांटिटी है, डाइन छोटी क्वांटिटी है। न्यूटन सीजी एसआई सिस्टम में है और डाइन किस सिस्टम में है? सीजीएस में है। बोलो हाँ या ना? तो डेफिनेटली ये बड़ी यूनिट होगी और डाइन कैसी यूनिट होगी? छोटी। और जब आप बड़ी के सामने छोटी को तोलोगे तो बराबर करने के लिए छोटी को कुछ वजन तो लगाना पड़ेगा ना, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? 10 की पावर 5 टाइम्स। चलो नहीं समझ में आया एक बार और बताता हूँ। आपके पास है एक तरफ 1 मीटर और दूसरी तरफ है क्या, कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। यस नो? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। फर्क क्या है? ये किसमें है बेटा? एसआई में। और ये किसमें है? सीजीएस में। हुआ कि नहीं हुआ? ये 1 मीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया? है, दोनों हैं इक्वल। चाहे आप मुझे 1 मीटर नाप करके लेके आओ, चाहे 100 सेंटीमीटर नाप करके लेके आओ, दोनों लेंथ क्या है? इक्वल है। बोलो यस। बट फर्क क्या है बेटा मेरे? फर्क क्या है? मीटर यूनिट बड़ी है। मीटर यूनिट क्या है? बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है बच्चों, समझना। मीटर नाम की यूनिट बड़ी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेंटीमीटर नाम की यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा। समझ में आया? समझ में आया? मतलब कल जो मैंने तुमको बताई थी बात कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक एन और एक यू। एन मतलब न्यूमेरिक नंबर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यू इज यूनिट, यू इज यूनिट। एन और यू का मल्टीप्लाई होता है। अगर एन बड़ा होगा तो यू क्या होगा? छोटा होगा। और अगर एन छोटा होगा तो यू क्या होगा? आई बात समझ में? यूनिट जितनी बड़ी लोगे मैग्नीट्यूड इतना छोटा होगा, और यूनिट जितनी छोटी लोगे मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। पक्की बात? ये लाइन समझ में आएगी नहीं आई तुम लोग को? आ गई तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आओ देखते हैं कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन कहां से आता है। देखना है ना, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन कहां से आता है। देखते हैं इस बात को कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल एकदम देसी तरीके से। ओके, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, वी आर रेडी टू नो। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू, यू कैन राइट न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री गाइज? यस और नो? व्हाट इज न्यूटन? भैया न्यूटन तो सम्मान की बात है, कुछ ना कुछ तो था, उसको नाम न्यूटन दे दिया। न्यूटन किसको दे दिया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इसी का तो नाम न्यूटन दे दिया। हाँ या ना? कोई अलग से यूनिट थोड़ी ना बन के आ गई न्यूटन। फंडामेंटल यूनिट क्या थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको मिला करके जो यूनिट बनी उसका नाम क्या दे दिया? न्यूटन। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो बेटा 1 की जगह 1, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, और सेकंड को तो हाथ मत लगाओ क्योंकि एसआई में भी सेकंड है, सीजीएस में भी सेकंड है। सो बेटा ये देखो, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, बोलो कितने हो गया? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इतनी सी चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइन बोलते हैं। तो आंसर आ गया 20 की पावर 5 डाइन। आगे बात समझ में ना? तो सिंपल तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। पक्की बात? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो एक और हेल्प करूंगा मैं आपकी, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन।
तो कोई बोल ले 1 डाइन कितना होगा, तो बेटा 10^5 नीचे चला जाएगा, बोलो हाँ, तो 1/10^5 न्यूटन, आंसर कितना 10^-5 न्यूटन, काय में 1 डाइन में, पक्की बात, सही बात है। सो 1 डाइन इक्वल्स टू 10^-5 न्यूटन, ठीक, कोई प्रॉब्लम, चलो बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं वर्क की, किसकी बात करते हैं वर्क की, वर्क का पहले हम यूनिट बनाते हैं, क्या बनाते हैं वर्क की यूनिट बनाते हैं, ये सब रफ कर देता हूं, आप लोग तो वीडियो से लिख लोगे ना, ठीक है। पहले मैं वर्क की यूनिट बनाता हूं, वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, बोलिए यस और नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, क्या बना रहा हूं पहले यूनिट बना रहा हूं, फोर्स की यूनिट अभी अभी पढ़ाई, बोलो क्या थी, गलत बोल रहे हो, सही सही बोलो, फोर्स की केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन बोलते हैं, है ना, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, न्यूटन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कितना मीटर, तो क्या बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बन गई बात, ये बन गई यूनिट, ये वर्क की यूनिट बन गई, वर्क की यूनिट बन गई, कौन सी यूनिट बनी है, कौन सी यूनिट बनी है एसआई, कौन सी यूनिट बनी है एसआई, वेरी गुड, वर्क की एसआई यूनिट इतना मसाला बन गया है, बन गया, ये सारा का सारा कार्यक्रम एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जूल, उनके सम्मान में इसको बोला गया जूल, क्या बोला गया, अगर जूल ना होते तो ये नाम फिर यही याद करना पड़ता आपको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो यस और नो, अगर जूल ना होते तो यही नाम याद करना पड़ता, अगर न्यूटन ना होते तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही याद करना पड़ता, यस और नो, जैसे मीटर को मीटर बोलते हो, वेलोसिटी को क्या बोलते हो, मीटर पर, मीटर पर सेकंड, बोलो यस और नो, मीटर पर सेकंड बोलते हो ना, मगर अब इनका ऑनर दे दिया गया इनको, इस नाम से बोला गया है, तो भैया वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है जूल, क्या होती है, अब मैं वर्क की सीजी यूनिट्स में बदलना चाहता हूं, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, नाम याद कर लो, वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, क्या होती है अर्ग, तो क्या क्या आएगा, किलोग्राम की जगह क्या आएगा ग्राम, मीटर की जगह क्या आएगा और टाइम की जगह क्या आएगा सेकेंड का स्क्वायर, बेटा ये जो बंडल है इसका क्या नाम पड़ेगा अर्ग, क्योंकि ये है एसआई नहीं है, ये क्या है सीजीएस है, सीजीएस में मास ग्राम होता है, लेंथ सेंटीमीटर होती है, टाइम क्या होता है सेकेंड, बोलो हाँ, अब सीजीएस यूनिट छोटी होती है और एसआई यूनिट बड़ी होती है, मतलब ज्यादा कौन सा होगा, जूल ज्यादा होगा कि अर्ग ज्यादा होगा, जूल ज्यादा होगा मतलब 1 जूल में कुछ अर्ग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बता सकते हो कितने अर्ग होंगे 1 जूल में, आइए निकालते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, बोलो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और भैया यहां पे सेकंड तो सेकंड है क्योंकि सेकंड की कोई छोटी यूनिट लिखनी नहीं है, बोलो यस की नो, चलो बहुत बढ़िया, 10^5 कितना लिख दूं, 3 लिख दूं ग्राम इंटू 100 का होल स्क्वायर कितना होगा 10^4 भाई 100 × 100 मतलब 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या सेकंड का स्क्वायर, 3 पावर और 4 पावर, बोलो कितनी पावर टोटल 7 पावर, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, बेटा अभी क्या बताया था इस बंडल को क्या बोलते हैं अर्ग, तो ये बंडल कितना हो गया अर्ग, तो कितना हो गया 10^7, आई बात समझ में, तो एक बड़ी यूनिट को एक छोटी यूनिट में बदल सकते हो, तो 1 जूल इक्वल टू कितना 10^7 अर्ग, आई बात समझ में, 1 जूल 10^7 अर्ग के इक्वल होता है, और अगर मैं बोलूं अर्ग को कन्वर्ट करना है जूल में, सो 1 अर्ग इक्वल टू 1/10^7 जूल यानी 10^-7 जूल इक्वल टू 1 अर्ग, बोलो हाँ या ना,
पक्का? कोई प्रॉब्लम? ठीक है तो भाई ये कन्वर्जन है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको क्या क्या बता दी, प्रैक्टिकल यूनिट बता दी आज, ठीक है ना। आपके शीट में बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट लिखी हुई हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और बता देता हूँ। एक वॉल्यूम होती है बेटा, वॉल्यूम की प्रैक्टिकल यूनिट होती है मीटर क्यूब, होती कि नहीं होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बोलो ये सुनो। एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, याद दिलाता हूँ। वन मीटर क्यूब इक्वल टू एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर का क्यूब आंसर 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी नोट करिए, 1 लीटर इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर को किसमें कन्वर्ट किया है? सेंटीमीटर में। लीटर को किसमें कन्वर्ट किया है? सेंटीमीटर में। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। अपन मिल्क वगैरह लेते हैं, किसमें लेते हैं? लीटर में। हाँ या ना, है तो वॉल्यूम है क्या? तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में नहीं आया? हाँ अच्छा, चलो देखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यस और नो? कल इसी को बात कर रहे थे, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, बोलो यस और नो? हाँ है ना। और आपने बताया है कि भैया वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में नापा जाता है, बोलो हाँ है ना। और यहां से बात समझ में आ रही है कि वॉल्यूम किस में नापा जाता है? मीटर क्यूब में। मतलब लीटर प्रैक्टिकल यूनिट हुई, बोलो यस, और मीटर क्यूब क्या हुई है? इसके एसआई यूनिट। तो दोनों में संबंध होगा कि नहीं होगा भाई? है क्या कैपेसिटी, चाहे लीटर में नापो चाहे मीटर क्यूब में नापो। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि सर लीटर और मीटर क्यूब में क्या संबंध है, ये तो बताओ। तो बताने वाला हूं मैं, मीटर क्यूब में संबंध दे दिया किसके साथ? सेंटीमीटर क्यूब के साथ, यस और नो? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो? नाउ एक और चीज लिख लो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। लियो भाई साहब, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में कितना आएगी कैपेसिटी? 1000 लीटर। सारे कन्वर्जन आने चाहिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, समझ में आया? एंड 1 लीटर इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे भूलता नहीं है मुझे, एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं, एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं तुमको। एक लीटर कैसे बनेगा, एक लीटर कैसे बनेगा? एक लीटर का आपने कोई जूस का डिब्बा इतना बड़ा देखा होगा, टेट्रा पैक आता है, टेट्रा पैक मतलब जो कवर रहता है कागज का, कागज का कवर रहता है, एक लीटर का जो दूध का पैकेट आता है वो कैसा रहता देखो। लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अब बोलते हैं कितना दूध भरा हुआ है? 1 लीटर। कितना भरा हुआ है? 1 लीटर। अब आ जाओ भैया वॉल्यूम निकाल लो, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटी
मीटर। आंसर कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बोले तो कितने लीटर? 1 लीटर। तो मतलब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? तो अगर आप एक ऐसा डिब्बा बनाओ जिसकी लेंथ भी 10 हो, ब्रेथ भी 10 हो और हाइट भी 10 हो, और उस डिब्बे को पैक कर दो और उसके अंदर पानी भरोगे तो कितना पानी आएगा? 1 लीटर। कितने पानी आएगा? 1 लीटर। आई बात समझ में ना? बोलो यस। चलिए, तो ये सारी जानकारी मैंने बच्चों आपको प्रैक्टिकल यूनिट की दे दी है, और प्रैक्टिकल यूनिट लिखी हुई है ना। एक और प्रैक्टिकल यूनिट चलते चलते बता देता हूँ बेटा। बिजली हम लोग घर में नापते हैं, जो एनर्जी बिल देते हैं, जिस एनर्जी को जलाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी, उसको यूज करने का एनर्जी को बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? बोले कितनी बिजली जलेगी? बोले 10 यूनिट जली, 50 यूनिट जली। सो 1 यूनिट मतलब बेटा होता है 1 kWh। 1 kWh ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या है ये? किलोवाट आर। किलोवाट आर यही होता है यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh। अब आप बोलोगे सर एनर्जी की तो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? तो बदलो भाई, 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। बोलो यस। 3.6 × 10⁶ जूल। नोट कर लीजिए, 1 kWh में इतने जूल होते हैं। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो भैया, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। अब आपने पढ़ा होगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। सब प्रैक्टिकल यूनिट है, खूब चलती हैं। ठीक है, ओके चलिए हेडिंग बनाइए। अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला के पहले मैं आपको बता रहा हूं डायमेंशनल सिंबल, मगर क्या जरूरत पड़ गई डायमेंशनल सिंबल की? भाई मैंने कहा फोर्स, तो यूनिट आपने बना ली है फोर्स की, यूनिट आपने बना ली है फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए यस और नो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या देखने में पता चल रहा है यूनिट से? यूनिट से यह देखने में पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? मास पर। किस पर डिपेंड करता है? मास। मास क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। यस और नो? फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। और भैया फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। बोलिए यस और नो? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब हमें यह पता चल रहा है कि फोर्स जो है लेंथ पर, मास पर, टाइम पर, इन पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? बट हम जानना चाहते हैं दो बातें, कितना डिपेंड कर रहा है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है। सुनना बड़े गौर से, पहली बात किस किस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा कितनी जोर से डिपेंड कर रहा है। सुन रहे हो? किस किस पर डिपेंड कर रहा है और कितनी जोर से डिपेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में शादी के 4 कार्ड आए हुए हैं एक ही दिन में। शादी के कितने कार्ड आए हुए हैं? 4 कार्ड। और सेलेक्ट करना है मुझे किसके यहां जाना है, तो आपका कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होगा कि मैं किसको सेलेक्ट करूंगा। आप देखोगे कि कहां पर मेरी नीड का आइटम बढ़िया बढ़िया मुझे देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। बोलो यस कि नो? हाँ या ना? नॉर्मली मैं कहूं कि एक जगह कहीं सार्वजनिक रूप से भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और एक जगह कोई बढ़िया शादी का कार्यक्रम चल रहा है, दोनों एक ही समय पे हैं, एक ही पेट है, खा उतना ही सकते हो, बताओ कहां जाओगे? चॉइस क्या होगी? शादी का भोजन करने की। बोलो यस और नो? क्योंकि वहां पर माल-टाल ज्यादा है कि नहीं है? नॉर्मली यही होगा। तो भाई ऐसा ही है कुछ फिजिक्स में कि आपको फोर्स किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ये बता देगा। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है
जो बताता है कि दी गई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, दी गई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। बोलो यस नो। जैसे मैं कहूं कि ये ब्लॉक है, इसको तुमको धक्का लगाना है, इसको तुमको धक्का लगाना है, क्या लगने वाला फोर्स डिपेंड इसके मास पे करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा? बोलो भाई, मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। मन से सोचो, कुछ मत सोचो फिजिक्स के बारे में, इसको नहीं देखो कि सर यूनिट में किलोग्राम रखा हुआ है। आप तो नॉर्मली सोचो कि अगर आपके पास मास ज्यादा होगा, वजन ज्यादा है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब पहली चीज, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स प्रोपोर्शनल टू। अब एक चीज और आती है बच्चों, कि मास की कितनी पावर, पावर वन, पावर टू की, पावर थ्री की, पावर फोर की, पावर माइनस। अब ये पावर का फंडा समझो भाई साहब, पावर का फंडा समझो। पावर बताती है पॉजिटिव में कि कितनी ज्यादा लगन है, और नेगेटिव में मतलब कितनी ज्यादा दूरी बनाने का प्रयास है। समझ रहे हो? कितनी ज्यादा दूरी बनाने का प्रयास है। अब एक एग्जांपल से देख के बताता हूं। एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई है बेटा मार्क्स और एक्स है पढ़ाई के घंटे, वाई है मार्क्स और एक्स है पढ़ाई के घंटे, स्टडिंग आवर, यस और नो? यहां पे भी आ जाओ, वाई है मार्क्स और एक्स है पढ़ाई के घंटे। चलो एक्स की वैल्यू वन टू थ्री काफी है, यहां पे एक्स की वैल्यू वन, इधर पे टू और इधर पे कितना, थ्री। पक्का? इसको स्क्वायर ले लो, इसका क्यूब ले लो। चलो देखते हैं पहले ऊपर वाले में। हाँ, एक घंटे पढ़ाई, एक घंटे पढ़ाई, बोलो मार्क्स कितने आए? दो घंटे पढ़ाई, बोलो मार्क्स कितने आए? चार आए ना, टू का स्क्वायर है, बोलो हाँ। तीन घंटे पढ़ाई, मार्क्स कितने आए? नौ। तीन का स्क्वायर कितना हुआ? नौ। आई बात समझ में? देखा आपने रिलेशनशिप। अब यहां देखना यही चीज है, देखना यही चीज, मोहब्बत बढ़ गई। एक घंटे पढ़ाई, बोलो मार्क्स कितने? शुरुआत में ठीक था। दो घंटे पढ़ाई भी कितने? आठ। अरे भाई साहब देखो, चार मार्क्स आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? आठ। तीन घंटे पढ़ाई भी कितने? सत्ताईस। देख रहे हो? तो ये है पावर। ये क्या है? पावर बताती है कि कितने जोर से बढ़ोतरी होगी, कितने जोर का बूस्ट आएगा। हाई पावर है तो बूस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा। हाई पावर है तो बूस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा। कम पावर है तो बूस्ट क्या होगा? बहुत कम होगा। और निगेटिव पावर है मतलब उल्टा, निगेटिव पावर है मतलब उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा वो? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि नेगेटिव, जैसे मैंने लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन, मतलब y इक्वल टू वन अपॉन कितना हो गया? x, वन अपॉन x। अब देखो यहां पे, यहां पे x है, यहां पे y है। x की वैल्यू वन पे वाली, y की वैल्यू कितनी? वन। x की वैल्यू टू डालो, y की वैल्यू कितनी? जीरो पॉइंट। मतलब पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए और मार्क्स कम हो गए। x की वैल्यू थ्री, आंसर कितना? जीरो पॉइंट थ्री। देख रहे हो? मतलब x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा? कम हो रहा है। तो पावर निगेटिव होगी, मतलब इनवर्स रिलेशन। क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो बेटा m की पावर, m की पावर यहां पे जो आ सकती है, मतलब फोर्स है, फोर्स में m की पावर कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। और m की जितनी पावर ज्यादा होगी, मतलब उतनी जोर से, उतनी जोर से। हाँ या ना? हाँ। अब फिर इसके बाद मास हो गया, मास के बाद क्या ये फोर्स इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इसको कितना दूर खिसकाया कि नहीं खिसकाया? बोलो यस और नो। मतलब लेंथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, कुछ ना कुछ पावर से डिपेंड करेगा, बोलो हाँ या ना? और फिर टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितनी दूर, कितना टाइम लगा है कि नहीं करा लगा है, बोलो यस और नो? तो क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस, द एक्सप्रेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज, विद द फंडामेंटल, इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, इज कॉल्ड डायमेंशनल
फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आया, एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बोलो यस ऑर नो। ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी की रिश्तेदारी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी सात हैं जो लेंथ मास टाइम टेम्परेचर केल्विन वाली, उनके साथ जो इस रिश्तेदारी को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो यस ऑर नो। ओके, अब डायमेंशनल फॉर्मूले को समझाने के लिए, को लिखने के लिए यू मस्ट नीड डायमेंशनल कोफिशियंट या डायमेंशनल सिंबल मेरे बच्चों। तो डायमेंशनल सिंबल मास के लिए क्या यूज करोगे, बोलो, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल एल। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे, गलत बात, ओनली एल। डायमेंशन की बात हो रही बाबू, किसकी बात हो रही है, डायमेंशन की। मास के लिए क्या यूज करोगे, एम, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करोगे, कैपिटल एल यार। ऊंचाई के लिए क्या यूज करोगे, एल। अरे सबको ना अपना मीटर में है, और जब सब मीटर है तो सब लेंथ है। गहराई के लिए किसका यूज करोगे, कैपिटल एल, बोलो हाँ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब के लिए किसको यूज करोगे, कैपिटल एल। टाइम के लिए किसको यूज करोगे, बोलो यस ऑर नो। टाइम के लिए किसको यूज करोगे, कैपिटल टी। सेकंड के लिए किसको यूज करोगे, गलत बात। डायमेंशनल सिंबल की बात हो रही, यूनिट की बात नहीं हो रही है। कैपिटल एस नहीं होगा, कैपिटल टी। क्या होगा, कैपिटल। बात चल रही है डायमेंशनल सिंबल की, मैं पढ़ा रहा हूं डायमेंशनल सिंबल। सेकेंड के लिए क्या यूज करोगे, मिनट के लिए क्या यूज करोगे, आवर के लिए क्या यूज करोगे, एक 24 घंटे के लिए क्या यूज करोगे, दिन के लिए, साल के लिए क्या यूज करोगे। समय है तो टी है, लेंथ है तो एल है। चाहे कहीं का कुछ भी हो, डायमेंशनल सिंबल मतलब पहचान, डायमेंशनल सिंबल मतलब पहचान। आई बात समझ में, यस, ये कहलाते हैं डायमेंशनल सिंबल। जो एक्सप्रेशन आपने लिखा, द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, इज कॉल्ड डायमेंशनल। तीसरी बात आती है, व्हाट इज डायमेंशन। तीन चीजें बता दी मैंने, फर्स्ट व्हाट इज डायमेंशन सिंबल, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, थर्ड व्हाट इज डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर इस्तेमाल होती हैं वो कहलाती हैं डायमेंशन। क्या कहलाती हैं, डायमेंशन। एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। क्वेश्चन आया, बोलिए मास की डायमेंशन बताओ, ए। लेंथ की डायमेंशन बताओ, टाइम की डायमेंशन बताओ। समझ में आया, आइए बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बनाते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। कुछ क्वांटिटीज हैं आपके सामने और आप उसका बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं बनाता हूं डायमेंशन फॉर्मूला मास का। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला, मास में केवल एक पावर आएगी, बोलो यस। लेंथ का कंपोनेंट है क्या, नहीं। टाइम का कंपोनेंट भी जीरो है, एम जीरो, एल जीरो, टी की पावर जीरो। अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चल रही, अगली क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है। अच्छा, इसको देख करके आप इसकी यूनिट भी बना सकते हो, एम फॉर किलोग्राम। एम फॉर यूनिट की बात कर रहा हूं, सिंबल एम था, हाँ। तो किलोग्राम की पावर एक, मतलब आंसर क्या होगी, यूनिट किलोग्राम। अब मर्जी आपकी, आप किलोग्राम से डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ या डायमेंशन फॉर्मूला से किलोग्राम। हालांकि हमने पहले यूनिट पढ़ी ना, हमने पहले क्या पढ़ी, यूनिट। तो ईमानदारी यही कह रही कि भैया पहले तो यूनिट आएगी, बाद में क्या आएगा, एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। चलो भैया, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मतलब मास दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अच्छा कहाँ दिख गया मास, नहीं दिख रहा, मतलब जीरो दिख रहा है मगर जीरो पावर से। भाई साहब अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेंथ कितनी, वन, और टी की पावर कितनी, जीरो। अगला टाइम, टाइम की यूनिट क्या पढ़ाई, सेकेंड। चलो भैया, एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर वन। ये तो छोटे, ये तो हो गए फंडामेंटल अपने, बोलो ये सुनो।
हमको तो बड़े बड़े पढ़ना। आ जाओ भाई साहब, एरिया इक्वल टू, एरिया की यूनिट लेंथ इनटू, यूनिट क्या होती है मीटर। इसको देख के मन में लड्डू फूटा, बोलो मास की पावर कितनी, लेंथ की पावर कितनी, टू, और टाइम की पावर कितनी। बस बढ़िया एकदम। चलो इसके बाद होता वॉल्यूम, बोलो ये सुनो फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, यूनिट क्या हुई, मन में लड्डू फूटा, मास की पावर, एल की पावर, टी की पावर, खत्म हो गया ये सुनो। चलो आगे आते हैं, वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट किसमें, टाइम किसमें, सेकेंड में, टाइम किसमें, यूनिट पता चल गई है। चलो डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला वी लिखो, बॉक्स जरूर लगाना, बॉक्स नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बोलो लेंथ कितनी है, मास कितना है, लेंथ कितनी है, और टाइम कितना है, माइनस, क्योंकि नीचे है, हाँ तो नीचे है तो कितना, माइनस वन। बोलो ये सुनो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम। बोलो ये सुनो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी था मीटर पर, और टाइम मतलब फिर से सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड का क्या, स्क्वायर, हाँ या ना। मास का कितना, जीरो, मास का कितना, जीरो, हाँ। लेंथ कितनी, टाइम कितनी, समझ में आया, मतलब मतलब किसी गाड़ी की वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, मास की पावर क्या है, जीरो। डायमेंशन फॉर्मूला बताता है कि कोई चीज़ किस पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब किसी गाड़ी की वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन उस गाड़ी के मास पर डिपेंड, ये देख लो लिखा हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन में मास का कंपोनेंट नहीं होता, हाँ या ना। हाँ, एरिया, एरिया, एरिया टाइम पर डिपेंड नहीं करता। बोलो ये सुनो, आज कोई जमीन खरीदने जाओ, कल खरीदो, चाहे आज का टाइम हो चाहे कल का टाइम हो, किस पर डिपेंड करेगा, उसके लेंथ ब्रेथ पे, हाँ या ना, उसके टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि 2020 में जमीन इतनी थी, 2023 में इतनी हो गई, ऐसा होता है क्या, तो उतना ही रहेगी, मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो मेरे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बताता है कि आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, और कितनी जोर से डिपेंड कर रही है, कितनी जोर से डिपेंड कर रही है। बोलो ऐसा नो, यहां पर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही कि नहीं कर रही है, कितनी पावर से, माइनस वन से, यहां पर कितनी पावर से, माइनस टू से, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन की टाइम से ज्यादा चिढ़ है, चिढ़ यानी निगेटिव पावर, ऐसे अपनी बीच की बात है, चिढ़ है, ऐसे नहीं कि कॉपी में चढ़े लिखे आना, मतलब यदि टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन और कम होगा, क्या होगा, और कम होगा, समझ में आया ना, क्योंकि ये पावर माइनस टू है और यहां पर पावर क्या है, माइनस वन, पक्की बात, पक्की बात। चलो एक और हो जाए, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए, एम मतलब किलो ग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भैया डायमेंशन, एम की पावर कितना, एल की पावर वन, और टी की पावर कितना, माइनस टू, यस ये आ गया फोर्स। फोर्स मास पे डिपेंड करता कि नहीं करता, कितनी पावर से, कितनी है मास की डायमेंशन, वन, लेंथ की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन, माइनस टू, समझ में आया, पक्की बात, मतलब फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या बढ़ाना, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। टाइम लेंथ बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, मगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स क्या होगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। एक बड़ा सा बोरा है, खसका के उसको किनारे लगाना है, सरपट खसका दिया, हाँ, बिल्कुल जल्दी से खसका दिया, बोलो हाँ, फोर्स क्या लगा, ज्यादा लगा, क्या लगा, ज्यादा लगा। बोले सुनो, अब ये कुर्सी है, इसको आराम से खसका के जा रहे हैं अपन, बिल्कुल छोटे बच्चे टाइप, टाइम लग गया, बढ़ गया टाइम कि नहीं बढ़ गया, तो टाइम तो बढ़ गया मगर मेरा जो फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आई बात समझ में, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है, क्या है पावर, और टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, पक्की बात। तो ये बताता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, पूरी पूरी रिलेशनशिप बताती है, समझ में आ गया। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला, अब आपको
जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी आपकी शीट में डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो लिख करके बना करके कोशिश करना बनाने की, किसकी क्या करनी, कोशिश करना बनाने की। एक बना के मैं बता दे, इतने बना दिए हैं, एक और बनाता हूँ। चलो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेशर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, अब आपको पता है कि फोर्स, अब देखो यहीं पे बन सकता है, डायमेंशन ही बना लो। हाँ, फोर्स की डायमेंशन पता ना, एम एल टी की पावर माइनस टू, और एरिया कितना, लो एरिया कितना, एल स्क्वायर। आंसर एम एल की पावर कितना, माइनस वन, और टी की पावर कितना, माइनस टू। बोलो यस और नो। मास की डायमेंशन वन, लेंथ की डायमेंशन, टी की डायमेंशन, आगे समझ में। फिर से प्रेशर का फॉर्मूला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रेशर इक्वल टू होते ही है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन ये है, एरिया की ये है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, बोलो हाँ ये आ जाएगा। हाँ, तो प्रेशर में मास की डायमेंशन कितनी, लेंथ की कितनी, टी की कितनी, आई बात समझ में ना, प्रॉब्लम है कुछ? चलिए, ये हो गया बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। स्ट्रेस का भी यही होता है, वेरी गुड। स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी। अभी जितनी फिजिकल क्वांटिटी मिलते जाए, बस ये देखते जाओ, ये सुनते जाओ कि ये कुछ है, ये कुछ है। अब स्ट्रेस क्या होती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दूंगा, समय भी खराब होगा, भूल भी जाओगे, कोई काम का नहीं है, तब भी बताना पड़ेगा, इसलिए अभी बताने का सही समय नहीं है। और कितनी बताऊंगा यार, 150-200 फिजिकल क्वांटिटी हैं। बोलो, बताते बताते थक जाऊंगा, क्वांटिटी बहुत सारी हैं, पक्की बात, इसलिए अभी बताने का सही समय नहीं है। अभी आप रेफरेंस देखो कौन कौन सी हैं, उनको लिखो, उनके डायमेंशन फॉर्मूले बनाओ, जो नहीं बन रही हैं उनको मुझसे पूछो कि सर इसका बता दो, उसका बता दो, समझ गए ना, और प्रैक्टिस करो। चलिए अगली बात आती है, अगली बात आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है भैया, लिखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। पहली बात, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का पहला स्टेप है, ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम, बोलो यस। एरिया में क्या ऐड करोगे, एरिया। मास में क्या ऐड करोगे, मास। कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर मेरा वजन 23 किलोग्राम, 23 किलोग्राम प्लस 2 लीटर, ऐसा होता है क्या? अरे भैया ये मास है, ये वॉल्यूम है, कहाँ से ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनके डायमेंशन क्या हैं, अलग अलग। तो डिफरेंट डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ना तो ऐड कर सकते हो और ना, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, पहली चीज तो हो गई, दूसरी बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, अगर कोई आपके पास फिजिकल इक्वेशन है, कोई आपके पास क्या है, फिजिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस at, पढ़ा है ना आपने कि नहीं पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस, क्या है फिजिकल इक्वेशन है कि नहीं है, ये एक फिजिकल इक्वेशन है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी फिजिकल इक्वेशन की लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल रहेंगी हर टर्म की, फॉर ईच टर्म, फॉर ईच। आ जाओ देख लो, व्हाट इज वी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, एल टी की पावर माइनस वन, बोलो हाँ। यू की डायमेंशन बोलो, एल टी की पावर माइनस वन, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हाँ या ना। चलो अगला देखो, अगला देखो, प्लस लगा दो। अगला ए, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एल टी की पावर कितना, माइनस
टू और साथ में टाइम चिपका हुआ है, मतलब इन टू टी की पावर कितना माइनस वन। अब तीनों टर्म के डायमेंशन देखो, पहले की क्या है एल टी की पावर माइनस वन, डब्बा लगाना मत भूलना, दूसरे की क्या है एल टी की पावर माइनस वन और तीसरे की क्या है देखो ए एक ए ए ए टी की पावर प्लस वन है, तो दो में से एक जाएगा तो बोलो कितना बचेगा एल टी की पावर माइनस। पक्की बात, पक्का? इन एनी फिजिकल इक्वेशन, इन एनी फिजिकल इक्वेशन, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, हर टर्म की डायमेंशन क्या होंगी,